शरीर होते हुए भी शून्य जैसे हो जाता है, मानो शरीर है ही नहीं। जैसे कि गाढ़ निद्रा में क्या होता है, शरीर तो है पर हमें ऐसे लगता है कि जैसे शरीर है ही नहीं, शरीर की अनुभूति नहीं होती ना। हाथ किधर पड़ा है, पैर किधर है, बाल किधर है, आंखें किधर, कुछ नहीं पता होता। ऐसे ही ठीक समाधि में होता है, शरीर तो रहता है लेकिन शरीर, स्थूल शरीर होते हुए भी शून्य जैसे होता है, इसलिए शून्यम इव ऐसे कहा। शून्य भी नहीं होता है पूरा, अगर शून्य हो जाए तो समाधि के बाद शरीर में कैसे लौटे हम, शरीर ना रहे तो रहता भी है शरीर लेकिन रहते हुए भी शून्य जैसे हो जाता है, जैसे कि निद्रावस्था में होता है। तो इसलिए उसको प्रति प्रसव कहा है। तो वहां प्रति प्रसव का मतलब है जब आप बहुत ध्यान लगाएंगे, समाधि लगाएंगे और उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा अपने अंदर से, उससे ये सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, दग्ध बीज हो जाएंगे। उसी को हे कहा, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, जो सूक्ष्म मैल बच गया था, सूक्ष्म क्लेश बच गए थे, स्थूल तो क्रिया योग से हट गए और जो सूक्ष्म बच गए उसको फिर ध्यान योग से समाप्त किया जाता है। जी, जी हाँ जी, संजीवनी जी, ओम बाय। आपने बताया कि आत्मा के साथ संस्कार होते हैं और शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं, जो दिखाता है वो आत्मा देखता है, तो आत्मा क्यों नहीं देखता वहां, जैसे वो तो संस्कार तो आत्मा के साथ है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है। आत्मा ही देखता है, आंख के माध्यम से आत्मा ही देख रहा है। आंख इंस्ट्रूमेंट है लेकिन आंख के माध्यम से देखने वाला आत्मा ही है। आत्मा निकल जाए तो इन आंखों से कुछ भी नहीं दिखता, ये तो ऐसे ही रहते हैं ना गोलक, तो डेड बॉडी का शरीर ऐसा ही तो रहता है जैसे अभी हमारा है। एक चीज ही घटी है बस, वो आत्मा वो निकल गई, तो वो ही देख रहा है अभी, अभी वो ही बोल रहा है आपके माध्यम से, आत्मा ही। तो इंद्रिया जो दिखाती है वो आत्मा समझ लेता है, मतलब जो हाँ, जो इंद्रियां दिखाती हैं वैसा ही आत्मा समझता है, ये आत्मा का अपनी असमर्थता है ये समझ लो। मतलब वो अब, क्योंकि आत्मा के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि वो बिना आंख के भी देख सके, और आंख जितनी शुद्ध होगी उतना शुद्ध दिखाएगी। राग राग से युक्त है यदि दृष्टि तो फिर आत्मा को राग का ही ज्ञान होगा, द्वेष युक्त है तो द्वेष का ज्ञान होगा, और योग युक्त हो गई दृष्टि तो फिर योग का ही ज्ञान होगा। अपने आप बिना इंद्रियों की सहायता के आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जान नहीं सकता। मोक्ष अवस्था में बिना इंद्रियों के भी सुन सकता है, जान सकता है, देख सकता है, भगवान की सामर्थ्य से, ईश्वर की सामर्थ्य से उस समय में बिना इंद्रियों के भी सब काम कर लेता है। जैसे ईश्वर बिना इंद्रियों के सारे काम कर रहा है ना, संसार की रचना की तो उसके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है, कोई हथौड़ी, कोई बसोली, कोई करनी ऐसी तो है नहीं कि जिससे उसने ये संसार बनाया। जैसे ये इतने सुंदर सुंदर कलर भर दिए इन फूलों में, तो उसके हाथ में कोई ब्रश नहीं है ना, कोई कूची नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है बिना हाथों के भी। देखो कितनी तरह के पेड़ पौधे बना दिए हैं, कितनी, कोई कैंची हाथ में नहीं है फिर भी कितनी सुंदर कटिंग कर रखी है, देखो इनकी पत्तियों की अलग अलग। तो ऐसे ही आत्मा मोक्ष अवस्था में बिना शरीर के इंद्रियों के भी सब ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब तक मुक्त ना हो तब तक बिना इंद्रियों के कुछ भी नहीं कर सकता है। इंद्रियों इंद्रियों की शुद्धि का मतलब है अज्ञान के संस्कार को मिटाएगा। जैसे रबर से हम पेंसिल का रिखा हुआ मिटा देते हैं और नया लिख सकते हैं, पेपर तो वही है लेकिन पेंसिल से लिखा हुआ है यदि, तो उसको हम रबर से मिटा के दूसरा लिख सकते हैं। तो ये रबर से मिटाने का काम योग करता है,
हमारे जो पहले के संस्कार हैं उनके स्थान पे नए संस्कार अभी लिख सकता है आत्मा, उसके पास ये पावर है। यही होता है जीन्स को चेंज करना, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई जीन्स तो चेंज होता नहीं है। और यहाँ लाखों उदाहरण ऐसे हैं कि योग से जेनेटिक बीमारियां भी समाप्त हो गई, इसका मतलब जीन्स भी चेंज हो गया। तो जीन्स का मतलब जो पेपर है उसको तो वास्तव में चेंज नहीं कर सकते, वो तो जैसा जिसका है वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके स्ट्रक्चर को तो चेंज नहीं कर सकते, उसके करेक्टर को चेंज कर सकते हैं। और एक प्रश्न था आज सुबह के सत्र का, जैसे आपने बताया कि पूजा के समय एक तो पूर्व दिशा में नहीं तो पश्चिम दिशा में नहीं तो उत्तर दिशा में मुख होना चाहिए, पर जैसे हम योग कक्षाओं में ये हवन करते हैं यज्ञ करते हैं तो किसी न किसी का मुख तो दक्षिण दिशा में आएगा, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। देखो इसमें अच्छा प्रश्न पूछा है वैसे आपने, हमारे लिए पूर्व दिशा वो होती है जो हमारे मुख के सामने है। आप किधर भी मुख करके बैठे हैं ना, जिधर आपका मुख है वो आपके लिए पूर्व दिशा है। हमने जो मंत्र पढ़े प्राची दिगग्नि रधिपति रसितो रक्षिता, तो हमारे लिए प्राची दिशा कौन सी होती है, जो हमारे सामने है वही प्राची दिशा है, और जो हमारे राइट हैंड साइड में होती है वो दक्षिण दिशा है, जो सिर के पीछे है वो पश्चिम दिशा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो उत्तर दिशा है। और बाहर से हमने वो भी हमने तय कर रखा है कि जिधर से सूर्योदय होगा उसको हम पूर्व दिशा मानेंगे। वैसे दिशा कोई स्थूल चीज नहीं है, एक ही व्यक्ति के लिए वही दिशा पूर्व हो सकती है, वही दिशा पश्चिम भी हो सकती है। मतलब आपका मुख इधर है तो ये आपके लिए तो पूर्व दिशा है, और मेरा मुख इधर है तो मेरे लिए वो पश्चिम दिशा है। हाँ 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 बिल्कुल बैठ सकते हैं जी। हाँ जी अनीता जी बोलिए। होम बैंक जब हम मरीज चीजें आंखों से देखते हैं, मरीज चीजों को जानते हैं, तो आत्मा भी कभी हो सकता है क्या हमारा? जब नई चीजों को आंखों से देखते हैं, ऐसे बोला ना आपने, तो जैसे आपने नई चीज माने मैंने इस नए फूल को आंखों से देखा, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हो बताओ। बिल्कुल होता है, वो ही संस्कार बन जाता है। नई देखो पुरानी देखो, आप जो भी देखो जो देखोगे वो ही संस्कार बन जाएगा। महीन मलिन, अच्छा मलिन मलिन डर्टी, हाँ बिल्कुल पड़ता है। मलिन का मलिन संस्कार बनेगा, शुद्ध का शुद्ध संस्कार बनेगा, संस्कार दोनों बनेंगे। नहीं आत्मा नहीं होती है, चित्त में स्टोर रहते हैं ये सारे संस्कार, और चित्त आत्मा के साथ ही रहता है जब तक मोक्ष ना हो जाए, आत्मा के ऊपर संस्कार नहीं पड़ते हैं कोई भी, चित्त में रहते हैं स्टोर होते रहते हैं और चित्त आत्मा के साथ है, और जब तक मुक्त नहीं हुआ तब तक आत्मा और चित्त दोनों एक ही रहते हैं। इसी को तो अस्मिता दोष बताया था। अगर आत्मा को ये ज्ञान हो जाए कि ये संस्कार मेरे अंदर नहीं है चित्त के अंदर है, तो तब तो मुक्त हो गया, ये तो ज्ञान की अवस्था है। हमें ऐसे महसूस हो जाए कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है और मन अलग है, तो कोई दुख आ रहा है तो या तो शरीर में आ रहा है या तो मन में आ रहा है, मेरे अंदर तो दुख आ ही नहीं सकता, तो ये तो योगी हो गया फिर, ये तो योग की अवस्था है, उसी के लिए योग करना है। हाँ जी, और किसी बहन का कोई प्रश्न है, आगे चलो। चलिए अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य तक पढ़ा था, उसके आगे है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है जितनी
चीजें अपने पास नितांत आवश्यक हैं उतनी ही रखना, बाकी की चीजों के ऊपर आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। देखो कई लोग ना इसका ठीक अर्थ नहीं करते हैं। परिग्रह का संबंध स्थूल चीजों से भी है लेकिन मन से ज्यादा है। जैसे किसी व्यक्ति के पास स्थूल रूप से तो ज्यादा संसाधन नहीं है लेकिन मन मन में वो जिस जिस के पास अच्छी चीजें हैं उनमें उसका मन ललचाता रहता है कि ये मेरे पास होना चाहिए, तो ये भी परिग्रह है। और एक व्यक्ति के पास खूब सारी चीजें होती हैं लेकिन आसक्ति नहीं होती है उनमें, ये अपरिग्रह है। जैसे राजा जनक के पास पूरा साम्राज्य था लेकिन उसकी आसक्ति नहीं थी किसी भी चीज में, इसलिए राजा जनक अपरिग्रही थे, योगी थे। तो कोई यूं कहे कि जी अपरिग्रह का मतलब होता है अपने पास जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं उतनी ही रखना, बाकी सब नहीं रखना। तो फिर आप कहोगे जी घर में इतना सामान भरा है इसको निकाल निकाल के बाहर फेंक दें क्या? घर में तो बहुत सामान है जो हमारे डेली यूज में नहीं आता है, तो क्या उसको बाहर फेंक दें? नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। हाँ, यदि कुछ गल सड़ गया हो तो जरूर बाहर फेंक दें, और यदि आपको लगता है आपकी चीज किसी के काम आ सकती है तो उसको बांट भी दें, लेकिन सब चीजें फिर भी नहीं दी जाती हैं, बस हमारी उनमें आसक्ति ना रहे। अब चलो बाहर की चीजें तो कोई व्यक्ति फेंक भी सकता है, बांट भी सकता है, शरीर को कहां फेंक के आओगे? जब तक शरीर में भी आसक्ति है तो ये परिग्रह ही है। तो राजा जनक की तो बड़ी चर्चा थी उस समय, क्योंकि वो योगी थे, उनको विदेह कहते थे, देह से अलग, जो अभी अनीता जोशी जी बोल रही थी ना कि संस्कार तो चित्त में रहते हैं, आत्मा तो शुद्ध ही है, बिल्कुल शुद्ध है आत्मा तो, पर हमें ऐसा फील हो तब तो राजा जनक को ऐसे फील होता था, इसलिए उनको विदेह कहते थे। विदेह जनक माने देह भाव से ऊपर रहते थे, वो चेतन भाव में ही रहते थे, आत्म भाव में ही रहते थे। तो किसी व्यक्ति ने उनको ब्लेम किया, बोले ये सब बोलने की चीजें हैं, दिखावे की चीजें हैं, अगर ऐसे ही विरक्त हैं, विदेह हैं, तो ये राज्य चलाते क्यों हैं? सब छोड़ के जंगल में चले जाना चाहिए इनको। तो अब किसी सन्यासी ने बोली ये बात, जो तथा कथित सन्यासी था, जिसका खुद आसक्ति हटी नहीं थी लेकिन केवल लाल कपड़े पहने थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो सब कहने की चीजें हैं, दुनिया को बहकाने की, भ्रमित करने की, अगर ये ऐसे ही विदेह हैं, ऐसे ही अनासक्त हैं, तो सब राजपाट छोड़ के जंगल में क्यों नहीं चले जाते हैं? हमारी तरह लाल कपड़े क्यों नहीं पहन लेते हैं? तो किसी दूसरे जिसको कह रहे थे उस सन्यासी ने कहा कि भाई तुम खुद ही परीक्षा कर लो इसकी, तो थोड़े दिन जाके उनके पास रह लो। तो बोले ठीक है, चले जाते हैं और हम बता देंगे आपको दूध का दूध, पानी का पानी। तो वो चले गए जनक के पास, तो जनक जी को भी पता लगा ये परीक्षा लेने आए हैं, तो उन्होंने जान पूछ करके उनसे पूछा कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, महल में रहना पसंद करेंगे या आपकी झोपड़ी कहीं बाग में बाहर बना दें? तो उसने कहा कि हमारी झोपड़ी तो किसी बाहर एकांत स्थान में बना दी जाए, किसी बाग बगीचे में बनाई जाए, ये महलों से हमारा क्या लेना देना, हम तो साधु हैं। तो बोले ठीक है, ये जैसी कहें वैसी झोपड़ी बना दो इनकी। बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी सिंपल सी झोपड़ी बनाओ और बस दो हमारे वस्त्र रहेंगे उसमें, और हमारा कोपिन और एक हमारा कमंडलू जिसमें पानी पीना है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपरिग्रही हैं। बोले ठीक है, जैसा बताया वैसा कर दिया। तो एक दिन वो जनक राजा जनक के पास आए थे, धर्म चर्चा करते ही रहते थे राजा जनक, तो वो उनके पास आए सत्संग करने के लिए, और उधर से एक नौकर आया हांफते हांफते, और आकर के उन्होंने कहा महाराज अनर्थ हो गया है। बोले क्या हो गया? बोले जल गया पूरी, बहुत जोर से आग लग गई है पूरी उसमें नगरी में, और उधर से आ रहा हूं बाग की तरफ तो बहुत तेज लगी है, और इधर महल तक आ गई अग्नि। ऐसा सुनना था कि वो सन्यासी उठ के भागने लगे।
तो राजा जनक ने कहा, महाराज आप कहाँ चले? अरे बोले बाद में करेंगे सत्संग, मेरा तो एक ही जोड़ी कपड़े थे वो जले जा रहे हैं, तो जाके बचाने हैं मेरे को। और राजा से कहा, महाराजा आप आपका तो रणिवास जल रहा है जिसमें रानियां रहती हैं, मुख्य भवन जल रहा है। तो महाराजा दस वो जनक आराम से बैठे रहे शांत भाव से। बोले इतनी सुंदर चर्चा चल रही है अध्यात्म की, तो ये पहले ये हो जाए। मैल मूल तो बनते रहेंगे, नश्वर चीजें हैं, नश्वर के लिए अनश्वर को क्या छोड़ना। तो फिर उन्होंने पकड़ करके, उन्होंने वो प्री प्लान था, उनको आग तो लगाई हुई थी, वो लगी नहीं थी। तभी वो तीसरे सन्यासी ने आकर के उनका हाथ पकड़ा, बोले अब बताओ परिग्रही कौन है और अपरिग्रही कौन है? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, एक लंगोटी थी, एक जोड़ी वस्त्र है, उनमें भी आपकी इतनी आसक्ति है, और इनका तो पूरा साम्राज्य लूटा जा रहा है, तो भी ये बैठे हैं धैर्य से। तो अपरिग्रह का संबंध है मन की आसक्ति से। मन में कितनी आसक्ति है हमारी, उसको हटाना है, इसका नाम है अपरिग्रह। फिर आपके पास चीजें ज्यादा भी हों तो भी आपकी हानि नहीं है, आप किसी दूसरे को बांट दोगे वो। और यदि मन में आ सकती है और बाहर बाहर से हमने चीजें हम नहीं पकड़ते हैं लेकिन मन में आ सकती है, तो फिर अपरिग्रह का पालन नहीं होगा। और जो व्यक्ति अपरिग्रही होता है, अपरिग्रही माने अनासक्त संसार की वस्तुओं से, संसार की वस्तुओं से भी और शरीर से भी, ठीक है, भगवान का दिया हुआ साधन है, जब तक दिया है साधन का सदुपयोग करेंगे, नहीं मिलेगा जैसी भगवान की इच्छा, दे तो अच्छी बात, छीन ले तो भी अच्छी बात, दूसरा दे दे तो भी अच्छी बात। पर ये साधना से ही आती है ये स्थिति, बोलने और सुनने से नहीं आती है ये। तो जो इसका पालन करता है उसको जन्म कथनता संबोध है, ये उसका परिणाम है, जन्म की कथनता का बोध हो जाता है। जन्म की कथनता क्या है, कैसे ये जन्म होता है, उन संस्कारों का ज्ञान हो जाता है उसको, और पीछे के कई जन्मों के बारे में पता लग जाता है, मैं इससे पिछले जन्म में क्या था, उससे पिछले में क्या था, उससे पिछले में क्या था, वो पूरी कथनता का एक जो वो चेन है ना, कैसे कैसे हम किस किस जन्म में गए, वो उसको मालूम पड़ जाता है। तो कहते हैं महात्मा बुद्ध को 500 जन्मों की याद आ गई थी, पीछे के 500 जन्मों में वो क्या क्या थे वो सब उनको याद आ गया था। यहां यही बताया है भाष्य में भी, अस्य भवति को अहम आसम, में कौन था, कथम अहम आसम, में कैसा था, किन स्विद आसम, ये सब क्या है, कथम सिद्ध कैसे है, के वा भविष्य में कौन होंगे, आगे कहां जाएंगे, अगले जन्म का भी पता लग जाता है, जिसको बोलते हैं त्रिकाल दृष्टा, इस जन्म का भी पता है, पिछले जन्मों का भी पता होता है, अगले जन्म का भी पता लग जाता है कि आगे मोक्ष में जाएंगे या किसी जन्म किसी दूसरी योनि में जाएंगे, मनुष्य शरीर में जाएंगे, किस स्थान में पैदा होंगे, वो भी उसको पता लग जाता है। तो यहाँ कहा पूर्व अंत परांत मध्येषु आत्म भाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते एता यमस्थैर्य सिद्धया। तो ये थे 5 यम। अहिंसा का फल क्या है, यम का पालन करेंगे, अहिंसा का फल क्या है, सूत्र बोलना है, आपके सामने किताब है, तत्सन्निधौ वैर त्याग, ये अहिंसा का फल है। उसकी सन्निधि में जो अहिंसा का पालन करेगा, उसकी सन्निधि में रहने वालों का और खुद उस योगी का भी वैर भाव मिट जाएगा। सत्य का फल क्या है, क्रिया फल आश्रय, सारे बोलो, विजय लक्ष्मी जी, अध्यापिका हो आपके आगे कागज भी है, देख के बोलो। क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, प्रवास पे थी। नहीं नहीं, सूत्र सूत्र बोलो, सूत्र तो आगे रखे होंगे, लाते हो कि नहीं लाते, पीडीएफ निकाल रखा है? नहीं निकाला, प्रवास की वजह से। अरे माता, रुको रुको, आपको जो पीडीएफ भेजा है ना
उसका पूरे का प्रिंट आउट निकाल के उसकी बाइंडिंग कर लो, नहीं तो कुछ लॉस होगा, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। उसको सामने सूत्र नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा फिर। सत्य का फल है कि उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। क्रिया फल आश्रय, तो माने जिस जो क्रिया करता है, जिस संकल्प को लेके करता है वो पूरा हो जाता है, अमोघ वाणी हो जाती है, जो बोलता है वो वैसा हो जाता है। ये सत्य का फल है। अस्तेय का क्या फल है? चोरी न करने का अस्तेय का क्या फल है? सर्वरत्नोपस्थानम। हाँ, सर्वरत्नोपस्थानम का मतलब है उसको दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है। जो कुछ नहीं चाहता है उसको सब कुछ मिलता है, जो सब कुछ चाहता है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। जटिल पहेली, इसलिए चाहो मत। अच्छा, इसमें भी चालाकी नहीं करनी कि जी मेरे को तो सब कुछ चाहिए तो इसलिए मैं ये बोल देता हूं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम संगठन में बोलते हैं ना, जो व्यक्ति यूं कहेगा कि मुझे पद चाहिए उसको पद बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जो पद को नहीं चाहता उसको पद मिलेगा। तो जिस आदमी को पद लेने की इच्छा थी उसने ये बोल दिया कि मुझे तो पद नहीं चाहिए, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको तो नहीं चाहिए। फिर किसी दूसरे को बता रहा है कि पहले तो कह रहे थे कि जिसको पद नहीं चाहिए उसको पद देंगे, अब मैंने ऐसे बोल दिया पद नहीं चाहिए तो भी मेरे को दिया नहीं, तो ये हो गई चालाकी। तो भगवान जी के सामने चालाकी नहीं चलेगी। वास्तव में ही जो नहीं चाहता कुछ भी, केवल भगवान को चाहता है, उसको सब मिलता है। तो संतों के पास किसी चीज की कमी होती है क्या? नहीं होती। क्योंकि संतों ने सब छोड़ दिया, उन्होंने केवल परमात्मा को ही प्रायोरिटी दी, तभी तो इतना बड़ा निर्णय लिया उन्होंने, तो उनको फिर परमात्मा सब कुछ देता है। जो माया से पीठ कर लेता है और प्रकाश की तरफ मुंह कर लेता है तो उसकी छाया पीछे पीछे चलती है। फिर प्रकाश का मतलब है परमात्मा। जब हमारा मुंह लाइट की तरफ होता है, सूरज की तरफ होता है, प्रकाश की तरफ होता है, तब छाया कहाँ होती है? पीछे। और आप जितना जितना सूरज की तरफ जाओगे उतनी छाया आपके पीछे पीछे आएगी। और जब आपका मुंह सूरज से विपरीत होता है, बैक साइड होती है प्रकाश की तरफ, तब छाया किधर चलती है? आप छाया को पकड़ना चाहते हैं वो उतनी और आगे चलती जाती है, हाथ में आती नहीं है। तो जब संसार की तरफ, भोगों की तरफ, आसक्तियों की तरफ हमारा मुंह होता है तो कितना भी प्रयास करें, कितना भी दौड़ें, हाथ में कुछ आता नहीं है, वो आगे आगे खिसकता रहता है। और भगवान की तरफ मुख करते हैं, गुरु की तरफ मुंह करते हैं, तो ये चीजें पीछे पीछे आती हैं, फिर सब मिल जाता है संतों को। तो इसलिए कहा अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम, सारे रत्न मिल जाते हैं उस व्यक्ति को। तीन हो गया, अहिंसा सत्य अस्तेय। ब्रह्मचर्य का क्या फल है? संयम में रहने का क्या फल है? वीर्य लाभ है का मतलब है, ये तो पूछा ही नहीं अभी मैंने। हाँ नहीं, इतने एडवांस मत बनो भाई, थोड़ा मेरा साथ निभाओ। वीर्य लाभ का मतलब है संयमित जीवन जियोगे तो सब प्रकार की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। किस किस का संयम करना है, किस किस का ब्रह्मचर्य होना चाहिए? सब इंद्रियों का, सब इंद्रियों का, ऐसे बोलो सब इंद्रियों का। अपरिग्रह का क्या फल है? जन्म कथंता संबोध। कथंता का मतलब है जन्मों के प्रकार का पता लग जाता है, कितने प्रकार के जन्म थे, कैसे थे, कहाँ थे, क्यों थे। तो ये पांच यम, इनका पालन करने से हमें क्या मिलेगा? क्योंकि जब तक परिणाम सामने ना हो तब तक व्यक्ति कोई भी काम करता नहीं है। ये फल सामने है हमारे, तो
तो आप ये बताओ, जब इतनी अच्छी चीज मिलेगी तो इन नियमों का पालन करने में कोई दिक्कत है? नहीं है ना? इतना बड़ा लाभ है तो करना ही चाहिए ना हमें। कुछ भी ना मिले तब तो हम चलो प्रमाद कर सकते हैं कि भाई करने वाले भी वैसे ही, ना करने वाले भी ऐसे ही, तो हम क्यों करें? आदमी के मन में ये आ जाता है ना। लेकिन करने वाले को अलग फल मिलेगा, न करने वाले को अलग फल मिलेगा। परीक्षा में जो बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, पुरुषार्थ करता है, उसको अलग फल मिलता है, और न करने वाले को अलग फल मिलता है। तो किसी ने पूछा, बोल जी न करने वाले को तो कुछ भी फल नहीं मिलता है, उसको क्या फल मिलेगा? मिलता है ना उसको भी। जैसे वो सोया पड़ा है अपने घर में और उसी समय भूकंप आ गया, तो भूकंप में जो दौड़ के बाहर चला गया उसको अलग फल मिलेगा, वो तो बच जाएगा, छत उसके ऊपर नहीं गिरेगी। और जो सोया हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, उसको अलग फल मिलेगा, उसको सोने का फल मिलेगा ना, उसके ऊपर छत गिर जाएगी और वो मर जाएगा। तो कुछ भी न करने का भी फल मिलता है। आप यूं कहोगे कि जी कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ना मिलेगा ना। तो न करने का भी फल मिलेगा, करने का भी फल मिलेगा। न करने का फल थोड़ा दुखदाई होगा, करने का फल सुखदाई होगा। तो आप तो बड़े समझदार हो, आपने तो फैसला कर लिया कि हमें तो करना है, इसलिए आप पाठ में जुड़ गए, सुनते हो, नोट्स बनाते हैं आप तो, और वैसी कोशिश भी कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, तो इसलिए आपका फल तो बड़ा सुखदाई होने वाला है। तो आज टाइम हो गया, भगवान करे आपको ऐसे ही सुखदाई फल मिले जीवन में। आपकी संध्या खूब अच्छी हो गई, संध्या तो अच्छी हो गई, अब रात्रि भी खूब अच्छी हो, ऐसा ही चिंतन मनन करते करते। और फिर कल सुबह 5 बजे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। शांति 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 ही, श्री परमात्मने नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः।